और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जगदीश मुखी, कांग्रेस नेता चंदन यादव, आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी नेता अशोक देव और जेडीयू नेता उपेंद्र चौहान, एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। मुखी साहब, वाराणसी कल सांसद चुनेगी या प्रधानमंत्री? सबसे पहला सवाल आपसे। और नरेंद्र मोदी जी को अपना सांसद चुनेगी और सांसद मिलकर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुनेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री सांसद बन जाएगा तो फिर उतना ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि देश की और जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। बनारस काशी वैसे ही बहुत पिछड़ा हुआ है। हर प्रधानमंत्री सांसद तो होगा ही जी, आपका आश्चर्यजनक सवाल है जी। हर सांसदों में से ही प्रधानमंत्री बनेगा और प्रधानमंत्री रहते हुए वो सांसद रहेगा और सांसद रहते हुए विकास करेगा, ये तो स्वाभाविक है। मेरा ये कहना है कि आपका सवाल जो है ये एक राजनीतिक दृष्टिकोण से सवाल पूछा जा रहा है, अदरवाइज बड़ी स्पष्ट सी बात है, वहां की जनता ने सांसद चुनना है और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी चुने जाएंगे सांसद के रूप में और सांसद मिलकर के वहां पर अपनी पार्टी के लोग उन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री बन के भी वो सांसद रहेंगे और उस क्षेत्र का विकास करेंगे और जो उन्होंने वादे किए हैं बुनकरों के साथ या गंगा के शुद्धिकरण की बात की है तो और जिस प्रकार से उन्होंने टूरिज्म को डेवलप करने की बात की है उस सब को निश्चित रूप से सांसद के नाते से पूरा करेंगे। मुखी साहब, हमारा सवाल ये इसलिए था कि सांसद चुनेंगे या पीएम, क्योंकि 10 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी को भी उत्तर प्रदेश की जनता ने चुना था प्रधानमंत्री के तौर पर। आऊंगा आपके पास। फिलहाल हमारे साथ चंदन यादव कांग्रेस मौजूद है। मुखी साहब, यहां पर कांग्रेस दावा कर रही है कि जो ग्रास रूट की जो खबरें आ रही हैं वहां पर अजय राय बहुत आगे चल रहे हैं और जनता उनको पसंद कर रही है क्योंकि कर्म भूमि है उनकी और वहां पर कई सालों से वो काम करते रहे हैं। दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, अपना दिल राजी कर लें, एक दिन की बात है, कल पता लग जाएगा, एग्जिट पोल आ जाएगा कल। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कम से कम 4 लाख वोटों से इस सीट से जीत के आएंगे, ये ख्वाब देख रहे हैं केवल मात्र। वस्तु स्थिति, मैंने वहां पर काफी अरसे काम किया है, डोर टू डोर जाके काम किया है, हर बच्चे की जबान पर है अब की बार मोदी सरकार। 2 साल का बच्चा भी कांग्रेस की मीटिंग के अंदर की वही बोलता है, घर के अंदर कांग्रेस के लीडर के अंदर बच्चे भी यही बोल रहे हैं अब की बार मोदी सरकार। कम से कम वो 4 लाख वोटों से इससे जीत के जाने वाले हैं। और ये जो आपने तुलना कर रहे हैं रैलीज की या तुलना कर रहे हैं आप रोड शो की, बराए मेहरबानी से ठीक करें, भारतीय जनता पार्टी की रैली नहीं होने दी गई। मैं आश्चर्यचकित हूं जो देश के प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उनके अपने चुनाव क्षेत्र के अंदर एक भी रैली की परमिशन नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है? मैं समझता हूं ये एक प्रजातंत्र के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि वहां का डीएम ये कहे सिक्योरिटी रीजन का मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। चार परमिशन मांगे थे, मैं मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं कृपया करके मैं ये बताना सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा, कोई मेन रैली होती है, आपने रैली नहीं होने दी वहां पर। डीएम किसके इशारे पर नाच रहे हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं। डीएम किसके इशारे पर नाच रहे हैं? वहां के प्रशासन के इशारे पर डीएम ने नाचा और मैं समझता हूं हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह आता है। यदि वो सिक्योरिटी रीजन के कारण रैली नहीं होने देते तो उनको बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जिस प्रकार से आप बात बताएं, सही देखिए, बात मुझे करने दीजिएगा, आप चंदन जी, चंदन जी, चंदन जी, मुखी साहब को बात पूरी करने दीजिए। चंदन जी, आऊंगा आपके पास। चंदन जी, बात करने दीजिएगा। चंदन जी, आऊंगा आपके पास, आपका भी जवाब लूंगा। मुखी साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मुखी साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप तुलना कर रहे हैं, आप तुलना कर रहे हैं रोड शो की। भारतीय जनता पार्टी ने रोड शो नहीं किया, वो तो केवल अपने स्थान से ऑफिस में आ रहे थे बंद गाड़ी के अंदर, रोड शो की परमिशन नहीं दी गई थी। वो तो पब्लिक उमड़ करके अपना आप आई जिसकी आप तुलना कर रहे हैं। इन्होंने अपने रोड शो की परमिशन थी, पूरी ताकत लगाई, भीड़ जुटाई, हमारी तो कोई परमिशन नहीं थी ना हमारी योजना थी। वो तो अपने वहां से अपनी गाड़ी के अंदर परमिशन नहीं थी खड़े होने की भी, बंद गाड़ी के अंदर बैठ के आए, जब पब्लिक को पता लगा था घेर लिया, 4 घंटे 4.5 घंटे दफ्तर कार्य में लगे
और उसको आप रोड शो कह रहे हैं, वही संख्या इतनी थी, इनके रोड शो से कई गुना ज्यादा वहां पर संख्या थी। चंदन जी, जो आपने रोड शो निकाला था उससे कई गुना ज्यादा वहां पर थी, वो रोड शो नहीं था, परमिशन नहीं थी, वो तो 4 किलोमीटर 4.5-5 घंटे वैसे लग गए, वो तो लोगों ने घेर लिया था, जनता ने, काशी की जनता घरों से निकल आई थी, ये दावा बीजेपी कर रही है। देखिए, सबसे पहले मुखी साहब बीजेपी आऊंगा आपके पास, ब्रेक में भी आपको बताया था कि क्या सवाल पूछूंगा आपसे। मुखी साहब, यहां पर आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि मुकाबला सिर्फ नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच में है। आप कह रहे हैं 4 लाख वोट से जीतेंगे, ये कह रहे हैं कि आप लिख लीजिए आज का जो हमारा इंटरव्यू है उसको आर्काइव करके 16 तारीख को चला देना, अरविंद केजरीवाल वहां भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। इनकी बात का कोई यकीन नहीं है, हमेशा दिल्ली में भी ऐसी सैकड़ों बातें की हैं, मुंह की खानी पड़ी है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, मैं अपनी बात बतला रहा हूं आपको। वहां चुनाव हो रहा है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में चुनाव हो रहा है, इस बात के लिए हो रहा है कि सेकंड नंबर कौन रहेगा, ये तो सब सरेंडर कर चुके हैं, हर पार्टी सरेंडर कर चुकी है, मान चुकी है कि मोदी जी जीत रहे हैं 4 लाख वोट से, ये लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ कि दूसरे पद पर कौन रहेगा, दूसरे नंबर पर कौन आएगा, उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है, अन्यथा वहां की जनता ने अपना पूरा मन बना लिया है, प्रदर्शित कर दिया है, बिना तैयारी के जिस प्रकार का रेस्पॉन्स पब्लिक ने बंद गाड़ी को देख करके वहां पर किया है, ये इस बात का द्योतक है। वहां बच्चा बच्चा 2 साल का 4 साल का बच्चा एक ही बात बोलता है, अब की बार मोदी सरकार, हर घर का बच्चा जिसको पता नहीं राजनीति क्या होती है वो भी यही बात बोलता है। इस प्रकार से आज जन जन के नायक बन चुके हैं नरेंद्र मोदी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, और उनका 4 लाख, मैंने पहले भी कहा फिर से रिपीट करूं, कम से कम 4 लाख मार्जिन से निश्चित रूप से वहां से जीत करके आने वाले। चंदन जी, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं अब की बार मोदी सरकार, आप हवा हवाई बातें कर रहे हैं, अजय राय कहीं फाइट में नहीं है, दूसरे तीसरे नंबर की आपकी लड़ाई हो सकती है, लेकिन क्लियर कट है 4 लाख वोटों से मुखी साहब एक बार फिर से दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं। देखिए, लगता है मुखी साहब और चड्ढा साहब दोनों श्री मुंगेरी लाल जी से मिलकर आए हैं, उनकी बात नहीं, मैं वहां पर गलियों के अंदर घूम के आया हूं, मैंने वहां पर कई दिन काम किया, भविष्यवाणी कर रहे हैं, देखिए ये लोग सूत वहां काम किया उसके आधार पर कह रहा हूं मैं, हकीकत हकीकत वहां मैंने काफी दिन काम किया इसके आधार पर कह रहा हूं। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं कि चाहे मुखी साहब हो या चड्ढा साहब हो, दिल्ली के तमाम नेता बनारस में जाकर चुनाव नहीं जिता सकते हैं, ये चड्ढा साहब भी जान ले और मुखी साहब भी जान ले, मैं यही तो कह रहा हूं कि वहां का धरती पुत्र, वहां की जनता चुनाव जिताएगी, दिल्ली से जाकर के भाड़े पर अपने कार्यकर्ता को बुलाकर रोड शो करवाना, आपके कल पता चलेगा कि आपके बूथ पर कितने आदमी थे, आज करा ले बीजेपी और आम आदमी पार्टी वहां पर रोड शो, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, कल पता लग जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा ही, मैं वही कह रहा हूँ, आप भविष्यवाणी कर रहे, मैं तो कह रहा हूँ कल नहीं पता चलेगा, सुनने को पता चलेगा, मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो भविष्यवाणी कर रहा हूँ और आई स्टैंड बाय दैट, जो मैंने शब्द कहे उस पर खड़ा उतरूंगा, आपको ये बतला रहा हूँ मैं। बिल्कुल, मुंगेरी लाल के हसीन सपने रखने का आपको बहुत हक है और चड्ढा साहब को भी है। नेता मुख्तार अब्बास नकवी से इसी मुद्दे पर बातचीत की समय संवाददाता नीरज कुमार ने इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बताते हैं। मुखी साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद है। मुखी साहब, भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी का वाराणसी प्लस पूर्वांचल का जो एजेंडा था उसको कितना कामयाब मान रहे हैं? मैं समझता हूं पूर्वांचल की जो इस समय 21 सीटों का चुनाव हो रहा है वहां पर 2-3 सीटों को छोड़कर बाकी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी रहेगी। और जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि पूर्वांचल क्या असर रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी के रूप में मिला है, उनके व्यक्तित्व के कारण, उनके ज्ञान के कारण, उनके एक्सपीरियंस जो एडमिनिस्ट्रेटिव उसके कारण, उनकी राष्ट्रभक्ति के कारण आज पूरा का पूरा पूर्वांचल सीधा सीधा उनके साथ जुड़ा है। और केवल मात्र यूपी की 18 सीटों के नहीं, जो बिहार की सीटों पर भी हमें भारी सफलता मिलने की पूरी आशा है। चंदन साहब, ये जो पूर्वांचल एजेंडा बीजेपी का था ये उनके लिए काफी कारगर विकास का कह रहे हैं कि उनको जात पात की कोई जानकारी नहीं है, देश उनको जात पात के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये तो आप लोग करते हैं जात पात की राजनीति, उनका ज्ञान जात पात के बारे में नहीं है, देश के विकास के बारे में है, जात पात के बारे में उनकी कोई नॉलेज नहीं है, ये आपको नॉलेज है, जात पात के गेम आप खेलते हैं वहां पर केवल मात्र। इन्होंने अदर बैकवर्ड क्लास, अदर बैक ओबीसी के खिलाफ इन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया है, उससे पूरा ओबीसी समाज इंसल्ट फील कर रहा है, जिन्होंने ओबीसी को नीची जाति
नीची जाति के बारे में कहा है? कौन के संविधान में कोई नहीं, वो तो आपके राजीव, आपके राहुल गांधी ने शब्द इस्तेमाल किए थे, दर्जा देता है। नीची जाति की बात राहुल गांधी जी ने की थी, इन्होंने तो केवल जवाब दिया था उसका, याद रखिए इस बात को। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीच सोच, नीच, राहुल गांधी ने बात की थी, नीची जाति की बात उन्होंने बात की थी, मोदी जी ने केवल मात्र जवाब दिया था। बहुत ही आपका प्रशासनिक बहुत बड़ा अच्छा वरिष्ठ नेता रहे हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में इन दोनों वरिष्ठ नेताओं की भूमिका कम हो गई है, लेकिन आप मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह जैसे नेताओं को तरजीह नहीं मिल रही है। तमाम भारतीय जनता पार्टी में है कमी, लेकिन मैं ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो प्रियंका जी आप अपनी पार्टी के बारे में बोलिए ना। चलिए राघव, सभी पार्टियों ने नाक का सवाल बना लिया लगता है। वीआईपी कौन क्यों नहीं करते? आपकी जिंदल एंड कंपनी के सारे एम्प्लॉइज वहां पर आए हुए थे, आपके सारे लोग वहां पर पे रोल पर हैं, सारा पैसा जिंदल एंड कंपनी ने खर्च किया आपके ऊपर, आप क्या बात कर रहे हैं? ये मुझे या तो अपनी बहस में बुलाइए ना, आप भूल गए क्या? क्या आपको मैं आपके रजिस्टर निकाल के दूं? आप कौन से रोल पर हैं? आपको कितनी तनख्वाह मिलती है निकाल के दूं? कौन से चेक से कैसे पेमेंट मिलता है मैं आपको निकाल के दूं? उम्र में भी मुझसे बड़े हैं, उनको बोलिए थोड़े, मैं आपको निकाल के देना चाहता हूं। कितना गंदा लगता है, आप ये बात कर रहे हैं, देख रहा है आप कैसे बात कर रहे हैं? आप ये बात कर रहे हैं, किसी का वोटर देख रहा है, तो पे रोल पर हैं उनके, आप दूसरे व्यक्ति को पे रोल पर काम कर रहे हैं आप उनके, ये आपकी मानसिकता दर्शाता है। आप दूसरे व्यक्ति को ये पेरोल पर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप लेके आए हैं? आप दूसरे व्यक्ति, आप ये कहते हैं आपने तो सारे बाहर से एम्प्लॉइज को उठाकर बैठाया है, आपके पेरोल पर जो लोग हैं उनको लाकर यहाँ पर खड़ा किया आपने। अगर सकारात्मक रवैये से बातचीत नहीं हो सकती तो बहस पे आने का फायदा क्या? आएंगे आएंगे मुखी साहब आपके पास भी आएंगे, राघव आपके पास भी आएंगे। चंदन जी आप मुखी साहब एक बार फिर करा रहा हमला आम आदमी पार्टी की तरफ से। आपकी जो स्ट्रेटजी है वो ये है जी, अदब से निवेदन कर रहा हूं कि ये केवल ख्याली पवाल इनके वो हैं। मैं एक स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने अपने एजेंडा वहां के लिए दिया है उसमें स्पष्ट किया है, बुनकरों की समस्या का समाधान करने के लिए पूरा सॉल्यूशन दिया है, माँ गंगा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए वहां के शुद्धिकरण की बात की है, एक वहां पे लिखा है, कोई सलूशन एक डेवलप करने की बात की है। तो जिस प्रकार से उन्होंने अपने ये वादे किए हैं और उनका पिछला रिकॉर्ड है जहां वो सत्ता में रहे हैं, जो भी वादा किया सारे पूरे किए हैं विकास के, उसी प्रकार से आज वहां की जनता को, बनारस की जनता को एक विश्वास है, एक उनकी आस्था बनी है नरेंद्र मोदी के प्रति कि ये व्यक्ति यदि आएगा तो जिस प्रकार से गुजरात का विकास हुआ है उसी प्रकार से बनारस का विकास उससे कहीं ज्यादा तेजी से होगा। अशोक जी आपकी सरकार, आपकी सरकार विकास नहीं कर पाई, लोगों को विश्वास हो रहा है कि नरेंद्र मोदी अगर आएंगे तो जिस तरीके से गुजरात में विकास हुआ उसी तरीके से काशी में विकास होगा। जीत रही अशोक जी, नरेंद्र मोदी जी वहां से 4 लाख वोटों से जीत। भूपेश जी पहले तो हमको एक मिनट टाइम दीजिए, आप हमें आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। वहां साबरमती को जाके देखिएगा किस प्रकार से शुद्ध माँ गंगा के बारे में किया है, आप सिवाय गलत बयानी के कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए चलिए चलिए, वक्त की कमी है। जगदीश जी आप हमारे साथ बने रहे इस चर्चा में, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ चंदन यादव मौजूद रहे, राघव चड्ढा हमारे साथ मौजूद रहे, अशोक देव मौजूद रहे, उपेंद्र चौहान नेता जेडीयू भी मौजूद रहे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और कल होने वाले चुनाव के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, सलाम।